हेलो दोस्तों, नेचुरल होम ब्यूटी में आप लोगों का वेलकम है। तो आज का वीडियो जो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। का बहुत पुरानी वीडियो हमने एक अपलोड की थी नोज रिंग की, जो है नोज रिंग को पहनने का आसान तरीका, तो उसमें जो है ये आया था रिक्वेस्ट। तो आज मैं उस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ कि जो है उन्होंने पूछा था कि इयररिंग पहनने का कोई आसान तरीका बताइए। खासकर उन्होंने बाली पहनने के बारे में पूछा था कि बाली पहनने कैसे पहना जाए, कोई आसान तरीका बताइए। तो वही वीडियो आज मैं आप लोग के साथ लेकर आई हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और न्यू आए हैं अगर मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के साथ कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो इयररिंग है उसको जो है आप कई जो इयररिंग होती है उससे तो आप अलग अलग ढंग से पहन सकते हो। उसको जो है पहनने का अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि सब एक जैसा नहीं होता है, सबका पहनने का अलग अलग तरीका है। तो मैं 3 से 4 इयररिंग आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कैसे आपको कैसे पहनना है। तो फर्स्ट नंबर पर मैं पहले बाली ही दिखाऊंगी, क्योंकि उन्होंने बाली का ही रिक्वेस्ट किया था। तो मैं यहाँ पर 3-4 इयररिंग को बता देती हूँ, क्योंकि अगर बाली का मैंने ओनली डाल दिया तो शायद कोई कह सकता है कि इस तरह के इयररिंग को बताइए। तो मैं इसीलिए 3 से 4 इयररिंग आप लोग को दिखा दे रही हूँ पहनकर कि कैसे पहना जाता है इसका आसान तरीका। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं गोल्ड इयररिंग है, मैं इसी को पहनकर आपको दिखाऊंगी। तो ये है बाली, तो पहले मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो इयररिंग पहनना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं होता है, आसान है, लेकिन हर किसी को नहीं आता है। तो जिसे नहीं आता वो लोग जानना चाहते हैं, तो उनके लिए खास कर ये वीडियो है। तो जो है पहनना तो आसान है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये देखिए बाली है, पहले मैंने इसको निकाल लिया। ये देखिए इस तरह ऐसा फैला के आप यहाँ पर इस तरह डाल दीजिए, तो ये बंद हो जाएगा, और इस तरह ऐसा कर दिया तो ओपन हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये बाली है तो ये जो है ये सीधा है, और इधर देखेंगे तो ये उल्टा है, जिस तरफ जो है इस तरह ये बीच बीच में खाली खाली सा डिजाइन बना, ये उल्टा है और ये सीधा है। तो इस चीज को हमें आगे रखना है, तो इसको हम पहले ये देखेंगे। आप अपने चेहरे को कांच में देखकर पहनिए, अगर आपको नहीं आ रहा है पहनना, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो पहनने में, तो आप इस तरह शीशे के सामने खड़े होकर इस तरह पहन सकते हो। आप होल में डालिए और इस तरह डाल लेंगे, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा फैला दीजिए। ये जो पीछे का होल है उसी में जब ये जो पतला वाला डालेंगे अपने कान में, तो इसी को यहाँ पर बैठा के फिर इसके बाद ऐसा हल्का सब पुश कर देंगे, बंद हो जाएगा। ये देखिए बंद हो गया ना। तो एक तो मैंने पहन के दिखा दिया, तो दोनों पहन के मैं दिखा दूंगी, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप देख लीजिए पहले। जो अगर आपकी इस बाली में डिजाइन नहीं है तो आप ऐसा खाली, तो फिर आपको उल्टा सीधा नहीं देखना है। आप जैसे भी पहनना चाहते हो पहन सकते हो। पहले इस तरह आप पतले को डालिए, उसके बाद जहाँ होल है उस तरह आप ऐसा कांच में देख के उसको निशाने पे रख के ऐसे दबा दीजिए, तो फिर ये आपका बाली जो है आप पहन लोगे। तो अब मैं दूसरे नंबर पर दूसरी इयररिंग दिखाती हूँ। तो उसके बाद ये मैं दिखा रही हूँ, ये भी गोल्ड इयररिंग है, लेकिन जो है इसका जो पेच है, ये तो मैंने इसका पेच ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे दबाने वाला, लेकिन वो मेरा बेकार हो गया, इसलिए मैंने ये वाला लगाया आर्टिफिशियल वाला। तो ये भी ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे सेम था, इसको भी ऐसे दबाकर ही पहनते हैं। इसमें का दो इयररिंग आता है, एक घुमाने वाला आता है जो कि झुमके में रहता है, इस तरीके के इयररिंग में भी रहता है। तो पहले तो मैं दबाने वाला आपको बता देती हूँ, इसको भी ऐसे ही होल को देख कर हमें इस तरह ऐसे डाल लेना है। अगर जैसे कि आपके होल जो है छोटे हैं, और ये इयररिंग का जो डालते हैं ये जो कुंडी होता है वो अगर मोटा है, अगर आपके कान में नहीं जा रहा है, तो इस तरह ये देखिए पीछे हमने डाल के इस तरह दबा दिया, बस हो गया।
और ये दूसरे नंबर का हो गया। तो अगर मैं क्या कह रही थी कि अगर जैसे आपके कान के होल काफी छोटे हैं, जा नहीं रहा है, आप जो है इसको पहनना चाहती हो कोई रिंग और उसका वो मोटा है उसका वो कुंडी, तो आपको कैसे डालना है कि आपको अपने कान पर कोई मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लीजिए या बोरो प्लस कोई जो चिकनी वाली क्रीम आती है उस क्रीम को लगाकर फिर अगर आप ये इयररिंग पहनोगे ना तो बहुत आसानी से अंदर चला जाएगा। अगर आप बोरो प्लस लगाते हो तो एंटीसेप्टिक का भी काम करेगा, अगर आपके कान थोड़ा दर्द होने लगे या रेड हो गया है तो वो भी उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहता है अगर आप बोरो प्लस लगा के पहनोगे तो। तो अब ये हो गई दूसरी इयररिंग, और तीसरे नंबर पर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ।